हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर सूरज चतुर्वेदी। आज आपसे बात करेंगे ईडीडी के बारे में, मतलब एक्सपेक्टेड डेटा डिलीवरी। जैसे कि आपने कभी गायनेकोलॉजी डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्होंने न्यूज़ बताई होगी कि आपके सगे संबंधी या जो एडमिट है लेडी प्रेग्नेंट, उसकी जो डिलीवरी है इस डेट को होगी। तो आपको एक शॉकिंग न्यूज लगता है कि यार इसको कैसे पता कि इतने दिन बाद ही होगी। तो उसके बारे में आपको हम एक सरल प्रोसेस से बताते हैं, जिससे आप भी ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब हो सकती है या कब होगी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईडीडी के बारे में। तो ईडीडी का पहला तो फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब इसके अंदर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं इस डेट के। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले आप थोड़ा सा जानिए कि जो डिलीवरी की ड्यूरेशन होती है, मतलब प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है, तो कितने दिन की होती है। तो यदि हम दिन की बात करें तो डेज वाइज यदि हम बात करते हैं, तो डिलीवरी की जो ड्यूरेशन वो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो 277 डेज होती है। और यदि हम इसकी को मंथ में बात करें तो 7 डेज एंड 9 मंथ होती है। और यदि हम इसको वीक में बात करें, वीक में यदि हम बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेड डेटा वो मतलब कि प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है वीक में, तो 38 वीक होती है। अब ये तो मेरे को रफ आइडिया लग गया। अब आपको हम बताते हैं ईडीडी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ईडीडी कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को LMP बोलते हैं, यानी कि लास्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पता होने के बाद ही आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को काउंट कर पाएंगे। अब आते हैं एक्सपेक्टेड डेट, अब आते हैं ईडीडी काउंट करने की प्रोसेस के बारे में। ईडीडी काउंट करने से पहले आप उससे पता करें जो प्रेग्नेंट लेडी है कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। जैसे उसने बताया कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 जनवरी 2018 को था। और तो आप उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। तो आप ईडीडी निकाल, ये उसका हो गया LMP, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब आप निकाल रहे हैं ईडीडी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसकी कितनी होगी। इसमें से आपको जैसे मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है तो वो अलग अलग 20 पे मैंने काउंट किया था। जैसे हमने डे के हिसाब से किया था 277 थे, तो 277 आप ऐड कर दीजिए, या फिर 277 आप नहीं ऐड कर सकते तो ये वाली आप 7 डेज, ये वाली आप इजीली आप काउंट कर दीजिए, 7 डेज एंड 9 मंथ को आप काउंट कर दीजिए। इसको जैसे आप काउंट करते हो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाता है। तो ये वाली डेट आप इजीली काउंट, क्योंकि ये डे और ये करने में इजीली होगी, इसलिए इस प्रोसेस से मैंने बताने की आपको कोशिश किया है। वीक और डे वाले में थोड़ा सा ये कठिन आएगा और काउंट करने में गलत हो सकता है, इसलिए आप इसको देखिए। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसने बताया 10 जनवरी 2018, उसमें आपने जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन रहती है उसको आपने ऐड कर दिया, मतलब कि 7 7 डे और 9 मंथ उसमें ऐड कर दिया। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 17, ये हो गया 17, और ये 9 मंथ में 1 मंथ और जोड़ दीजिए तो 08 हो गया, और ये 2018, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल के आ रही है ईडीडी, वो आएगी 17/8/2018 को उसकी एक्सपेक्टेड ऑफ डिलीवरी आ रही है। यदि हम इसी में थोड़ा सा और काउंट करते हैं, एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, यदि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 17 इसी को ले लेते हैं, 17/08/2018 को है LMP, तब आप बताइए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, ED क्या होगा। इसमें से आप 07/09 ऐड कर दीजिए,
मतलब 2-7 दिन और 9 मंथ आप ऐड कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड आप डिलीवरी, ये 7 में आ 7 और 17, तो ये हो गया 24 24, और इसमें से 8 में और आप 9 जोड़ोगे तो 8 दूनी 16, 17 मंथ आ गया। 17 मंथ जैसे आपको पता है कि जो ईयर होता है वो 12 का ही होता है, तो -12 कर दीजिए, 12 आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा मंथ, और ये 18, ये 12 आपका, ये 12 मंथ को आपने निकाल लिया, एक इसको ईयर बना के एक इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया 2019। अब आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 24/05/2019 इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही है। और हम एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। यदि एल एम पी जो है तो 24 को है, 24 को है, 24 नहीं, हम इसको थोड़ा 28 लेते हैं तब एक और इजीली समझ में आएगा आपको। 28 हो गया और ये हो गया 10 को और 2019 को, इसका एल एम पी है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो अब आप ईडीडी कैलकुलेट करोगे, ईडीडी का जब करोगे 7 दिन और इसमें 0 9 कर दोगे, और इसके बाद आप काउंट करोगे तो 28 में 7 जोड़ोगे तो ये हो गया 30 और 0.5, यानी 35 आ रहा है आपका 35। आपको पता है कि मंथ 30 का ही होता है तो -30 कर दीजिए, तो ये 0.5 आ गया, और इसमें से 19 हो गया, तो 19 में आपने 19 कहा, 20 हो गया, इसमें से एक जो 30 जा रहा है तो इसको आप प्लस कर दोगे एक, तो 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 मंथ आ रहा है, 20 में आप 12 मंथ को वो आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ईयर होता है 12 का होता है, तो 12 का जो ईयर है तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। और ये इसमें ईयर वाला जो है, तो ईयर आपने एक बना दिया तो प्लस 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2020। अब आपकी जो ऑल ओवर कैलकुलेशन आ गया था 05/08/2020, यानी ईडीटी जो निकलेगी फीमेल की जो आए, तो 5/08/2020 को इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी,